तो भैया शादी से निकल चुके हैं एंड ज़रा स्टार्ट करते हैं। ये रही शादी, MD पैलेस देखो दिख रहा है। फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं। चलते हैं जरा अंदर गाड़ी के एंड दिखाते हैं आप लोगों को कि कहाँ चल रहे हैं। सो गाड़ी के अंदर आ चुके हैं भैया एंड जरा गाड़ी हो गई है ऑन। जरा सामान सामान रख लें, पता नहीं यार इतने दिनों से यार इतनी शादियाँ क्यों हो रही है पता नहीं। फिलहाल ज़रा मैंने सब ऑन कर लिया ना। फिलहाल यहाँ से अभी निकल रहे हैं, टाइम रखा है 8:34 एंड थोड़ा सा लेट है शादी के लिए। एक शादी है क्या नाम है MD पैलेस, जिसका वीडियो मेरा पड़ा हुआ है चैनल पे। फिलहाल यहाँ से चल रहे हैं, निकल रहे हैं, ऑलरेडी लेट है तो जल्दी से पहुँचते हैं एंड करते हैं बाकी काम वहाँ। जल्दी जल्दी आके आते हैं, ज़्यादा रुकेंगे नहीं। देखें पहले बार पिछली बार बोला था नहीं रुकेंगे तो 12:01 बज गया था, इस बार देखते हैं क्या होगा। बाकी निकल रहे हैं, जरा जरा लाइट ऑन कर लें एंड इसकी लाइट ज़रा ऑफ कर लें। बाकी अब थोड़ी सी डिम डुम आएगी लेकिन सही आएगी, थोड़ा AC ऑन कर लिया जाए एंड बाकी जो चीज़ें हैं पता नहीं यार मेरे में क्या क्या लगा रहता है, लेकिन भाई जो वेड ऑफ फैंटेसी पड़ा हुआ है, हर हर महादेव भाई। बाकी निकलते हैं यहाँ से एंड चलते हैं भाई, पूरा सेट है एंड बाकी आज आउटफिट आप लोगों ने देख ही ली होगी एंड नॉर्मल आउटफिट है भाई, कोई इतना नया नहीं है, पुरानी शर्ट है एंड शर्ट जो है अपनी बड़ी कीमती है, किसी स्पेशल पर्सन ने गिफ्ट दी है तो भाई अलग कनेक्शन होती है कुछ चीज़ों से ना, तो वही नॉर्मल दिख रही है ना आपको। बाकी इंस्टाग्राम पे स्टोरी आ जाएगी इसकी भी। भाई चलते हैं शादी में। तो भैया शादी से निकल चुके हैं एंड ज़रा स्टार्ट करते हैं। ये रही शादी, MD पैलेस देखो दिख रहा है। फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं एंड पीछे कोई होना नहीं चाहिए ऑब्वियस सी बात। भाई यहाँ पे चूतिया एक था भाई, ये लगा गया भाई कि ये वाला चूतिया, इसका नंबर ये है। फिलहाल चलते हैं। Day 2। वेलकम बैक टू द चैनल, आज नया दिन नई शुरुआत नए ब्लॉग के साथ। सो चैनल वेलकम हो चुका है, बाकी यहाँ से निकलना जाए, थोड़ा सा काम है अपने को, ऑयल थोड़ा पिसाना है मतलब सरी साइड, बाकी अभी थोड़ा बहुत जस्ट काम किया अपना, बाकी अभी म्यूज़िक कनेक्ट कर सकते हैं एंड चलते हैं जरा बाहर से। ज़्यादा ब्लॉग करेंगे नहीं तो थोड़ा बहुत कैमरा उठा लिया, अब निकालिए गाड़ी, थोड़ा बहुत कैमरा बनता है। बाकी फ्यूल फ्यूल अपना कम है, डलाते हैं कभी चल के बाद में। तो भाई साहब आवाज़ नहीं आ रही होगी, वेलकम बैक टू द चैनल, आज नया दिन नई शुरुआत ब्लॉग का। टाइम हो रहा है, अरे भैया टाइम 8:45, देख लो जरा कुर्सी देखो जरा, ये बड़ा तो शादी है ना, कुर्सी गेट पर रख दी भाई। फिलहाल चल रहे हैं जरा एक नए उसमें क्या नाम है, पार्टी है मैरिज वाली, जरा इसको ऑन करते हैं, चलते हैं भाई जल्दी से एंड थोड़ा गाना बुना आ रहा होगा। सो वीडियो में आप यहाँ तक आ गए हैं तो एक अच्छी बात यह है कि पुराना वाला जो वीडियो था जिसमें मैंने ये बताया था कि हरदोई में कोई काम होता तो नहीं है, ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता सकता हूँ कि हरदोई में जैसे कोई काम करना हो, जैसे मुझे सर्विसिंग ये करानी थी, सर्विसिंग नहीं हुई, उतनी अच्छे से नहीं हुई जितनी अच्छे से मैं कराना चाहता था एंड वही एम कि जो चीज़ आपको आपको नहीं अच्छी लग रही है उसे कैसे उस चीज़ को कैसे सही कह दें, अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको गलत बोलने का वो रखना चाहिए ना, तो वही मैंने किया एंड अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है कंपनी की तौर से। मुझे ऐसा नहीं होता कि कंपनी की कोई कंपनी मैसेज करती है नहीं करती है, थोड़ा बहुत तो होता है ना फ़र्क, कि थोड़ा कंपनी को फ़र्क पड़ना चाहिए एंड वो चीज़ नहीं हुई एंड सो ये
अब वो चीज़ नहीं फर्क पड़ रही है, तो मैं कुछ करूँगा नहीं, कहूँगा नहीं कंपनी को भी, एंड ना मुझे टैग करना है। अब हम सीधे हो सकता है लखनऊ में दिखा दें स्कूटी को, तो वही चीज़ है, तो मैं वो चीज़ में कर दूंगा बाद में। एंड फिलहाल आज वाला वीडियो इसमें ज़्यादा शादी के दो पार्ट्स के ब्लॉग हैं, मैं ज़्यादा ब्लॉग्स में बना नहीं रहा, क्योंकि ये होती है ना आदत छूट जाती है, जब आप ब्लॉग्स एक बार में बनाने लगो ना तो आदत छूट जाती है, अच्छा लग रहा था फिर मैं फिलहाल एडिटिंग के लिए इसे यूज़ हो जाता है, तो कभी कभार वही। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि आदत छूट जाती है कभी कभी, तो वही चीज़ है। एंड बाकी ज़्यादा कोई हुआ नहीं है, बाकी कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी ब्लॉग आए, एंड बीच में बहुत गैप्स हो गए इस बार ऑलरेडी, कितने 5 दिन इधर हो गए थे एंड उधर 4 दिन हो गए थे, अभी आगे भी हो सकता है गैप हो जाए, ये ट्रैवलिंग में मेरा लैपटॉप नहीं साथ दे रहा है, तो पता नहीं क्या कुछ ग्लिच हो जाती है कभी कभार, एंड कभी कभार टाइम बहुत लगता है रेंडर होने में, एंड देख सकते हो टाइम आप लोग 12:02 बज रहा है, एंड एडिट करने जा रहे हैं वाला पूरा वीडियो, वही होता है कि अभी कोई टाइम मिलता है पोर्ट्रेट वीडियो शॉट करने का, सोचा बना लिया जाए, एंड तो ये सिंपल से शॉर्ट्स हैं। एंड अगला वीडियो एक खास डे मतलब अनबॉक्सिंग का आने वाला है, होप सो आप लोगों को भी अच्छा लगे, एंड जो शूट किया मैंने, एंड तो ये चीज़ें थी, एंड मुझे लगा कॉल आ रही है, सो ये बाकी अब मेरा फ्रेम जा रहा ऊपर, बाकी ज़्यादा इस वीड़ियो को कितना बड़ा रखते हैं, वीडियो का मतलब बड़ा नहीं, बाकी मैंने जो पिछले वीडियो ये बोला था कि बड़ा करने का मतलब रीज़न था नहीं मेरे पास, क्यों लड़ाई इस चीज़ को बड़ी करनी, एंड रिकॉर्ड मैंने पहली बार लड़ाई नहीं करी है, एंड उसके बारे में बोला भी नहीं, क्योंकि ड्रीम में देखो मैं हीरो की बाइक ले चुका हूँ, एंड अब टीवीएस की है, यामाहा का मेरा एक जो होता है ना परफेक्ट सर्विस एक्सपीरियंस है, वो यामाहा का अच्छा रहा, तब तक लखनऊ में मैंने कराई थी सर्विस उसका, तब मैं ब्लॉग्स ब्लॉग्स नहीं बनाता था, अरे भाई ब्लॉग बैग, हाँ तो ब्लॉग्स नहीं बनाते थे ना, तो तब की बात है वो, एंड दे हैड अ गुड एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस मेरा तब अच्छा गया था, बाल सुधरे भाई एंड नहीं होंगे सो लेकिन इस समय एक्सपीरियंस मेरा नहीं अच्छा गया हर जगह, मतलब जो भी अभी मैंने दो स्कूटी मेरे पास पहले भी रह चुकी है, एंड बाद में भी एक बार और स्कूटी हुई है, एंड अभी जो लिए वो तो टीवीएस की है, अलग कंपनी भी अलग कर दी मैंने, उसके बाद भी उसकी वो चीज़ नहीं अच्छी है, एंड सर्विस को सर्विस ये सब नहीं अच्छी है, बाकी मतलब इंजन ऑयल ही चेंज करना है तो इट्स नॉट वर्थ इट ना, मतलब कॉल करेंगे आप सर्विस के लिए अच्छी सी, और मेरी स्कूटी बल्कि अच्छे से चली हुई है, मतलब उस टाइम लिमिट से भी ज़्यादा चली हुई है, अगर नहीं चली होती आप लोग कहते कि तो फिर बात अलग है, एंड उस बात को इतना स्ट्रेच क्यों करना जब नहीं मिल रहा, उसका कोई कंक्लूजन नहीं मिल रहा है, एंड छोड़ देते हैं इसे, एंड कोई बात नहीं, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतने रखते हैं, एंड आप लोगों को कुछ फाइनल ब्लॉग की बोला था कि मैंने थोड़ा बहुत बोल देंगे, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत बोल दिया, वरना होता ना एक ऑडियंस कनेक्ट हुआ थी पिछले वाले ब्लॉग में, कुछ लोग मैसेज किया अच्छे थे, अच्छा ब्लॉग था, तो वही है किसी को बोल के निकल जाना वो बेकार है, तो मैंने बोल दिया जैसे चीज़ें, एंड बाकी आप लोग बताएं कि ये माइक से आवाज़ कितनी आ रही है, वाला जो माइक ले रखा है लेवलर माइक है, तार वाला जैसे कहते हैं, बाकी अच्छी आवाज़ आ रही है तो दो कमेंट जान लो, बाकी आवाज़ को इशू हो आवाज़ को इशू सिर्फ फैन ही हो सकता है यहाँ पे, एंड बाल जल्द कटवाएंगे, दाढ़ी तो मैंने ऑलमोस्ट कटवा ही ली है, तो भाई वीडियो नहीं अच्छी आती है कभी कभार, यानी बड़ी भी दाढ़ी अच्छी आती है ऐसे नहीं कह रहे हैं, ज़्यादा बड़ी हो गई थी यार फिलहाल इसी वीडियो के लिए तो रखते हैं, लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं लगभग एंड जल्द, आप लोग वीडियोज़ लाइक जरूर करके जाए करें, जो भी देखता है फिलहाल छोटे से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाए करिए, आप लोगों का जो छोटा सा एक लाइक है बहुत मेरे लिए बहुत महत्व रखता है, मतलब एक मोटिवेशन मिलती है कि आप लोग कहाँ ऊपर और मेहनत कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, सो मिलते हैं एक नए अनबॉक्सिंग और ब्लॉग के साथ।